गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो चलिए, आज हमारे साथ पिंकी है और वो कुछ आपको बताने वाली है। तो चलिए सुनते हैं वो क्या कह रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं भी अच्छी हूँ, आप भी सब अच्छे से रह रहे होंगे ना? अब छुट्टियाँ भी हो गई हैं, हम कहीं घूमने तो जा नहीं सकते। आपको पता है, कल ना मेरे मामा जी आए थे, और फिर जब वो जाने लगे ना, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने मुझे एक, देखो ये पैसे दिए थे। उन्होंने बोला कि मार्केट बंद था, मैं तुम्हारे खाने के लिए तो कुछ ला नहीं पाया हूँ, तो जब मार्केट खुलेगा अपनी मम्मी के साथ जा कर के कुछ खाने के लिए ले आना। तो मैंने सोचा खाने के लिए तो हमें मम्मी ला ही देती है, मैं अपने पैसों को अपनी गुल्लक में डाल देती हूँ। ये देखो मेरी सुंदर सी गुल्लक है, मैं इन पैसों को इस गुल्लक में रख देती हूँ, और फिर मेरे पास खूब सारे पैसे भी जमा हो जाएंगे। तो ये है देखो मेरी एक गुल्लक है, ये देखिए इसमें मैंने पैसे डाल दिए। अब मेरे इन पैसों को कोई ले भी नहीं सकता है। मैं धीरे धीरे इन पैसों को खूब सारे पैसे जमा कर लूँगी और मेरे पास। तो आप भी सब इस तरह से करते हैं, तो आप भी अपने पैसों को जमा कर दिया करें, आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, पिंकी ने बताया कि हम एक अपने पैसों को अपनी गुल्लक में जमा कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक गुल्लक को डेकोरेट करना बताती हूँ कि गुल्लक को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं। बच्चों बाजार में आपको बनी बनाई गुल्लक मिल जाती हैं, तो हम उस गुल्लक को पहले खरीद के लेके आएंगे मार्केट से, और उसके बाद उसके ऊपर हम एक ये सफ़ेद रंग कर देंगे। सफ़ेद रंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर हम जो भी रंग बाद में करना चाहेंगे तो वो आसानी से खिल जाता है और अच्छा लगता है। तो बेस करने के बाद आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको बहुत जल्दी से कैसे पेंट करते हैं ये बताती हूँ। अब बच्चों हमारे पास कुछ इसमें देखो, यहाँ पर इसके ये पेंट रखे हुए हैं, इसमें एक काला रंग है, इसमें हरा रंग है, और इसमें हमारे पास ये लाल रंग भी है यहाँ पर रखा हुआ है इसमें। अब हमने इन सब चीज़ों के जरिए इसको सजाना है, तो आज हमें इस ब्रश की तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी। हमने सिर्फ इसे इस स्पॉट पर कहीं पर थोड़े थोड़े इस तरह से कुछ रंग लेने हैं, और इनको देखिए इस तरह से ऊपर गिरा देना है। कहीं पे हम हरे रंग की बूंद डाल देंगे, है ना? अगर आप ब्रश ना करें तो हम इस ढक्कन से भी इस तरह से एक एक बूंद को देखिए गिरा सकते हैं ऐसे। अब ऐसे हम इस पर फूंक मारेंगे, देखिए जब हम फूंक मारते हैं तो ये कलर हमारा इस तरह से फैल जाता है। अब इसी तरह से हम इसमें देखिए कुछ काले रंग की बूंदें भी डाल देंगे, आप जैसे भी इसको फैला सकते हैं। ये देखिए
अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा भी हरा रंग और डाल लेते हैं। अब जल्दी से हम इसके फुक्सेस को फैलाते हैं। देखिए बच्चों, कुछ हमारे पास इस तरह से ये तैयार हो जाता है। अब हमें इसमें कुछ फूल बनाने के लिए कुछ लाल रंग को डालना होगा। ये बॉटल में मेरे पास लाल रंग है, आपके पास लाल रंग हो या फिर पीला रंग हो, कोई सा भी रंग हो सकता है। उसकी आप जगह जगह कुछ इस तरह से बूंदे गिरा देंगे। अब देखिए, आप एक एक बूंद डालकर भी इसको फूल मारते जाइए, एक आपके सामने नया फूल तैयार होता रहेगा। अब इसमें पत्तियां बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा हरा रंग कहीं पर और डाल देते हैं। आपके पास वाटर कलर हो तो वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसे पानी में घोलेंगे तो थोड़ा गाढ़ा रखेंगे ताकि वो हमारे पॉट पे डालने के बाद फैले नहीं, है ना। इसमें हम जहाँ तहाँ कुछ भी अगर इसकी टहनियाँ बनाएंगे तो जब हम फूंक मारते हैं तो आकार ले लेते हैं। देखिए
तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम सरलता से एक अपने गुल्लक को देखो सजा सकते हैं। अब हमने देखो यहाँ पर कोई ऐसा फूल विशेष बनाया नहीं था, लेकिन जब हमने उसको फूंक मार मार के कलर को इधर उधर फैलाया तो देखिए वो अपने आप से ही उसमें कुछ डिजाइन बनता चला गया। देखिए आप, तो आप इस तरह से आसानी से एक गुल्लक को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो गुल्लक है इसमें अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए पहले इस तरह से हमें ये ड्रॉ करना होगा। ये ड्रॉ करके फिर हम इस तरह से इसको, अगर आपको इस तरह से वो कार्टून बनाना है तब ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह से पेड़, हल्के से पेड़ पत्ते है ना, या कुछ फूल बनाने हैं तो उसको आप इस तरह से कुछ रंग की बूंदों को डाल करके और फूंक मार करके अच्छे से एक गुल्लक को तैयार कर सकते हैं। और इसमें आप फिर बाद में पैसे डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, तो आप भी बच्चों अपनी गुल्लक को अच्छे से सजाइए और इसमें ढेर सारे पैसे जमा कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई गतिविधि के साथ। नमस्कार।